वेलकम टू MSA एग्ज़ाम्स। जिले में पहले होगी सातवें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया। रिक्तियों की गणना के लिए निदेशालय ने बुलाई बैठक। जी हाँ, सातवें चरण को लेकर के सुगबुगाहट जारी है और बहुत तेज़ी से काम इस पर चल रहा है। चलिए क्या है पुरानी न्यूज़, बढ़ते हैं आगे। ये न्यूज़ है मुजफ्फरपुर से। प्राथमिक विद्यालयों के लिए सातवें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पहले होगी, इसके बाद ही निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार समंजन होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें पहले से पाँचवीं कक्षा और छठी से आठवीं कक्षा के लिए दो फॉर्मेट दिए गए हैं। इसमें जिलों में कार्यरत बल और स्वीकृत बल के हिसाब से शिक्षकों की आवश्यकता की गणना होगी। पिछले दिनों निदेशालय में आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक में इसको लेकर निर्देश जारी किया गया है। यहां बताया जा रहा है कि अधिकांश जिलों में पहली से पाँचवीं में रिक्तियों की अधिक गणना करते हुए स्वीकृत से अधिक पदों पर नियोजन इकाइयों ने शिक्षकों की नियुक्ति कर ली है। अब शिक्षा विभाग के लिए यह दुविधा की स्थिति बन गई है कि किस आधार पर नियोजन करें। सातवें चरण की नियोजन प्रक्रिया में रिक्तियों की गणना के लिए निदेशालय के स्तर से सभी जिला के DPO और कुछ जिलों के DEO की बैठक बुलाई गई थी। कक्षा छठी से आठवीं में 50% सीटें प्रमोशन से भरी जाएंगी। कक्षा छः से आठ के लिए उपलब्ध सीटों में से 50% शिक्षकों के प्रमोशन और बाकी 50% सीटें नियोजन प्रक्रिया से भरी जा सकती है। इसको लेकर के बैठक में चर्चा हुई है। पहली से पाँचवीं तक की पढ़ाई करा रहे शिक्षकों का प्रमोशन किए जाने का प्रस्ताव आया है। ऐसे में प्रमोशन का आधार क्या होगा, इसकी रूपरेखा भी बनना बाकी है। तो कुल मिलाकर के सातवें चरण को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है। बहुत जल्द सातवें चरण के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। 27 तारीख तक रिक्तियों में जो गड़बड़ी थी उसको दूर करनी है। उसके बाद आपको अगस्त महीने में फर्स्ट वीक तक में हो सकता है नोटिफिकेशन जारी कर दे, और उसके साथ ही सेप्टेम्बर से बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।